हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले कंपाइलर डिजाइन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बेटा, जो कि हमारे बीटेक सीएस वाले बच्चों को 6 सेमेस्टर में पढ़ना है। इससे पहले मैंने कंप्यूटर नेटवर्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। साथ ही साथ मशीन लर्निंग का भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 6 सेमेस्टर में आपको किस तरीके से लिखना है बेटा, ये भी मैंने बताया था, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे ही मिलेगा। माफी मांगते हैं, आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। देखो बेटा, एक बात आप समझना, कंपाइलर डिजाइन के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे, 8 में से 5 आप अटेम्प्ट करना, ऑल अटेम्प्ट, 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना। जो आंसर्स आपको आते हैं वो आप अच्छे से लिखोगे बेटा, और जो आंसर्स नहीं आते हैं उसे आप क्या करोगे, बनाकर लिखोगे। क्या करोगे बेटा? बनाकर लिखोगे। छोड़ना अब कुछ भी नहीं है, छोड़ना अब कुछ भी नहीं है। भले आपको एल्गोरिदम आ जाए तो जो एल्गोरिदम आएगा बेटा वो भी आप नहीं छोड़ोगे, भले आप बनाकर लिखो। उतने ध्यान से कॉपियां चेक नहीं होती है, तो एल्गोरिदम भी आपको लिखना है। थोड़ा सा 19-20 होगा तो चल जाएगा, क्योंकि कॉपी में है ना भैया, सिस्टम में थोड़ी है। तो सिस्टम आपको क्या करे, रिजेक्ट कर दे। सिस्टम में नहीं है, कॉपी में है तो काम चल जाएगा। साथ ही साथ कुछ डीएफसी के न्यूमेरिकल्स भी हैं इसमें, तो आप देख लेना। सॉरी, मशीन न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, और यूनिट नंबर 2 में न्यूमेरिकल्स, उनको देख लेना। थोड़ा सा टेबल वाले न्यूमेरिकल्स, नाम थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, तो न्यूमेरिकल्स को भी आपको देखना है बेटा, है ना। वैसे मानकर चलो ये आपकी 80% आपका छुरी रहेगा, ठीक है, और 20% आपका क्या रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक है ना। तो आप पैनिक मत करो, आराम से जो आंसर्स आते होंगे उसको पहले आप लिखना, और जो नहीं आते होंगे बेटा उससे आपको बनाकर लिखना है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। चले, यूनिट नंबर 1 में न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो ये 7 क्वेश्चंस आप कर लेना। बेसिक बेसिक डेफिनेशंस हैं, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप इसको चैट जीटीपी पे भी सर्च कर सकते हो, क्योंकि चैट जीटीपी का जो आंसर होता है ना, पॉइंट वाइज होता है, अच्छा आंसर होता है, ठीक है। तो यूनिट 1 में ये 7 क्वेश्चंस आपको करने हैं। यूनिट 2 में देखो बेटा, न्यूमेरिकल्स हैं और ये थोड़ा बड़ा यूनिट है, तो यूनिट 2 में थोड़ा समय देना। आपको अगर लगे कि कुछ और क्वेश्चंस हैं, 1-2 जो इंपॉर्टेंट है, तो अपने हिसाब से आप कर लेना। फिलहाल मैंने 10 क्वेश्चन तो सेलेक्ट कर दिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि 1-2 क्वेश्चंस और हो सकता है बेटा, तो उसे भी आप कर लेना, छोड़ना मत, ठीक है ना। चलिए, यूनिट नंबर 3 आराम से कीजिए, ज्यादा नहीं, 9 क्वेश्चंस इसमें है। और आपका यूनिट नंबर 4 बड़ा है, इसमें भी न्यूमेरिकल्स है बेटा, इसको आप अच्छे से कर लेना। तो मेरे हिसाब से अगर आप 4 यूनिट भी करके जाओगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए, 5वें यूनिट का मैंने इंपॉर्टेंट दे दिया, तो ये 5वें यूनिट का इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। चलिए बेटा, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, नोट्स आपने बना रखा होगा, एक बार आप मैचअप कर ले कि ये सब क्वेश्चंस कवर अप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। एग्जाम में एकदम अच्छे मन से जाना, क्वेश्चन लड़े ना लड़े, लड़ गया तो वही लिख कर आएंगे, नहीं लड़ा तो बना कर लिख कर आएंगे, क्योंकि भैया समझ कर पढ़ के जाना है। अब वो सब नागिन नाज मत करना कि सर हम पढ़ के गए थे, ए आया बी, ए आया तो भी उतना ही लिखना है और बी आया तो भी उतना ही लिखना है। अब अंतर क्या है, अगर जो हम चाहते हैं वो आया तो भैया अच्छे मन से लिखेंगे, और हम जो चाहते हैं वो नहीं आया तो बना कर लिखेंगे। जो एल्गोरिदम पढ़ के गया वो आया तो अच्छे मन से लिखेंगे, जो एल्गोरिदम पढ़ के गया नहीं आया तो भाई बेमन से लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर, लिखेंगे जरूर, भले हमारा टीचर क्या करे, काट दे, लेकिन ठीक है भाई साहब, अच्छी राइटिंग में लिखना, काम बन जाएगा। छोड़ना कोई भी क्वेश्चन मत, है ना। बहुत वैसे लोग है भैया, महात्मा गांधी बनते थे, हमें तो 4 ही आता, हम 4 ही करेंगे, नहीं भाई साहब, पूरे क्वेश्चन आप लिखना, पॉइंट वाइज आप क्वेश्चन को लिखो, अच्छे से पेज फिलअप करो, कम से कम 22 पेज, और लिखो, डरो मत, इसमें कुछ भी नहीं है। बच्चे डर रहा है यार, सर कुछ नहीं भैया, 80% थ्योरी आता है, एक आध एल्गोरिदम लड़ गया, एक आध क्वेश्चन लड़ गया, काम खत्म, ठीक है। उतना डरने वाली जरूरत, डरने की बात नहीं है, ठीक है, जरूरत क्या। चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए भाई, पढ़ लेना, बहुत मुश्किल से गर्मी में 2 घंटे मेहनत करके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छाटा है। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।